इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का 31वां मुकाबला सोमवार को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम के बीच में ये मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होगा। इस सीजन में दूसरी बार ये टीमें आमने सामने होंगी। इससे पहले जब इनकी भिड़ंत हुई थी तब आरसीबी ने केकेआर को मात दी थी। आज होने वाला मुकाबला आरसीबी के कप्तान विराट कोहली के लिए खास होगा। वो मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देंगे। कोहली आईपीएल में एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। हालांकि विराट कोहली से पहले कई खिलाड़ी आईपीएल में 200 मैच खेल चुके हैं। कोहली से पहले महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक और सुरेश रैना इस लीग में 200 मैच खेलने का कारनामा कर चुके हैं। आरसीबी की टीम केकेआर के खिलाफ मैच में कोरोना वायरस के सम्मान में नीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेगी। यह नीली जर्सी पीपीई किट के कलर से मिलती है। गौरतलब है कि आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने इस साल 2 मई को कोरोना वायरस के सम्मान में आईपीएल के एक मुकाबले में नीली जर्सी पहनकर खेलने की बात कही थी, लेकिन कोरोना के चलते आईपीएल को 2 दिन बाद ही स्थगित करना पड़ा था। अब फ्रेंचाइज जी ने अपना पुराना वादा निभाया है। इससे पहले विराट कोहली ने एक बार फिर अपने फैसले से क्रिकेट फैंस को चौंकाया। उन्होंने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कप्तानी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। आरसीबी की ओर से रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। कोहली आईपीएल 2021 में आखिरी बार आरसीबी के लिए कप्तानी करते नजर आएंगे। कोहली ने कहा, आरसीबी के कप्तान के रूप में ये मेरा आखिरी आईपीएल होगा। मैं अपना आखिरी आईपीएल मैच खेलने तक आरसीबी का खिलाड़ी बना रहूंगा। मुझ पर विश्वास करने और मेरा समर्थन करने के लिए मैं आरसीबी के सभी प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करता हूं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों के लिए इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।